तो डेल्टा एक्स कितना आ गया 27 बाय, और यही डेल्टा एक्स कितना है, दिस इज। तो वो वेरिएबल स्पीड प्रॉब्लम जो किसी भी तरह से मल्टीप्लिकेशन से हैंडल नहीं हो सकती, वो इंटीग्रेशन से हैंडल, इसे एक बार खुद करिए ताकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप करो, जहां अटको वहां दोबारा पूछो, ये टेक्निक आपको सीखनी है। सेम टेक्निक वेलोसिटी में भी आएगी, एक्सीलरेशन में भी आएगी, एक बार सीख लो आगे के लिए आसानी होगी। लेकिन यहाँ से आप बी एक्स को क्या लिख सकते हैं, dx होगा 3d square minus 2d plus 7, और ये कितना है dt। तो ये जो आपने change in position calculate किया, ये कितने time में, dt time में, तो dx is change in position in time t। आपको कितने time में calculate करना है, 2 seconds में, कितना दिया हुआ है, 2 या 3। तो आप तो जाइए चेंज इन पोजीशन, देखो सेम स्टेप से इन 0 to 3 सेकेंड्स, भाई 0 से लेकर 3 सेकेंड्स में पोजीशन में जो चेंज आएगा, आप इसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ 3d² - 2t + 7dt। लिमिट बताइए इंटीग्रल की, लिमिट क्या होगी भाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3, जब टाइम 0 था तो पोजीशन को एक्स1 कर दिया, जब टाइम 3 हो गया तो पोजीशन कितनी आ गई, x2। जब आप x को dx को इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रल क्या है, x होगा, लिमिट। अब यहां 3 इंटीग्रल्स है भाई, एक ही स्टेप में कर दे, 3 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, क्या बचा t square का इंटीग्रल क्या होगा, t square का इंटीग्रल होता है t³/3। लिमिट क्या हो गई, 0 से लेकर 3 - 2, फिर से t आ गया इंटीग्रल t² / 2, लिमिट इज 0 + 7 कांस्टेंट है, सिर्फ dt बचेगा इंटीग्रल t, लिमिट क्या हो गई 0 से लेकर 3। देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, लिमिट सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो, लिमिट कैसे रखोगे, x की जगह अपर लिमिट रख दो व्हिच इज x2 - लोअर लिमिट इज x, t की जगह अपर लिमिट 3, दिस इज 3 माइनस लोअर लिमिट 0, दिस इज 0 माइनस लिमिट है 0 से 3, तो अपर लिमिट 3 हो गई स्क्वायर माइनस प्लस 7 अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0। तो ये x2 - x1 आ गया, तो कितना आ गया एक्सप्रेशन 27 -9 + 21, तो ये कितना आ जाएगा 27 और प्लस 21 ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 48 माइनस 9 कितना आ गया 30, तो x2 - x1 = 30।
जिन लोगों को इंटीग्रल नहीं आता ना इसके आगे नहीं समझ में आ रहा कोई टेंशन मत लो, इंटीग्रल इज जस्ट अ मैथमेटिकल स्टेप। जैसे आपने कभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखा होगा आप सीखते हैं, और जो गधे भूल गए करने के बाद उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बार तो सिखा दूंगा लेकिन आप स्पीड से भूलेंगे तो फिजिक्स करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। x2 माइनस x1 कितना है 39। अब जरा पढ़ो सेकेंड पार्ट के लिए उसने क्या डेटा दिया हुआ है, कह रहा है इनिशियली जो पोजीशन है वो कितनी ओरिजिन से स्टार्ट कर, ओरिजिन का क्या मतलब होता है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो। अब याद रखो x1 और x2 में से इनिशियल पोजीशन कौन सी है, x1। अगर वो कह रहे हैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है दैट मींस x1 कितना है जीरो, रख दो x1 की जगह जीरो, क्या बचा x2 minus 0 is 39, x2 कितना आ गया, अगर x1 की जगह 0 रखते हैं तो x2 कितना आ गया, x2 is 39। ठीक है,